अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। सुबह का समय हो गया, यहाँ पर उठ गए हैं। आज का ब्लॉगिंग में हम क्या क्या करेंगे आप लोग के पास शेयर करेंगे। अगर मेरा ब्लॉगिंग चैनल आप लोग का पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम ब्लॉगिंग चैनल में किचन टिप्स लेके आए हैं, बहुत ही किचन का काम आने वाला है, बहुत ही किचन का पैसा बचत होने वाला है, समय और पैसा दोनों बचत होगा। यहाँ पर हम पहला टिप्स दिखाते हैं। यहाँ पर हम दूध का पतीला लेकर के यहाँ पर हम टिप्स दिखा रहे हैं। अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग दूध गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो इस तरह करके हो जाता है, तो हम लोग साफ़ करके फेंक देते हैं। लेकिन फेंकना नहीं, बहुत ही काम आने वाला है किचन का, और आपका बहुत ही पैसा भी बचत हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर हम थोड़ा सा आटा लेकर के अच्छी तरह से यहाँ पर हम आटा को मिला लेंगे, और अच्छी तरह से मिलाने के बाद यहाँ पर हम आटा को गूंथेंगे। आप दूध उबालते हैं तो दूध को धो करके फेंकना नहीं, इस तरह करके आटा गूंथिएगा, तो आपका रोटी एकदम सॉफ्ट बनेगा रूई जैसा, और आटा भी गूंथने के बाद एकदम नरम हो जाएगा। और जितना यहाँ पर मलाई वगैरह है, छाली वगैरह, सब आटा में मिल जाएगा, और इतना ही सुंदर आटा गूंथ करके तैयार हो जाएगा, एकदम रूई जैसा यहाँ पर रोटी बन करके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी दे करके अच्छी तरह से आटा को हम गूंथ लेंगे। हम दूध उबालते हैं तो मेरा पतीला जब इस तरह करके हो जाता है, मलाई वगैरह रहता है, घी वगैरह, तो हम आटा गूंथ करके हम तैयार कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से आटा भी गूंथा जाता है और रोटी बहुत ही नरम बनता है। तो सोचे हम एक छोटा सा टिप्स बना करके हम आप लोग के पास शेयर करेंगे, ज़रूर आप लोग का पसंद आएगा। पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। आप लोग लाइक करते कॉमेंट करते तो बहुत ही अच्छा लगता है, लगता है मेरे साथ एक परिवार जुड़ गया उसी तरह। लाइक करते कमेंट करते तो बहुत ही हौसला बढ़ता है मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है वीडियो डालने में। अब देखिए यहाँ पर हम आटा को अच्छी तरह से गूंथ लिए, और ज़रा सा मेरा पतीला में भी आटा चिपका नहीं और नहीं हाथ में चिपका है, इतना सुंदर आटा गूंथ करके तैयार हो गया है। जितना इसमें मलाई वगैरह था सब आटा में आ गया है, और बहुत ही सुंदर रोटी बन करके तैयार हो जाएगा, रूई जैसा आपका रोटी नरम बनेगा। जब भी आपका पतीला इस तरह हो जाएगा तो एक बार ये वाला टिप्स आजमा करके देखिएगा, फिर आप कमेंट करके बताइएगा। अगले टिप्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सेलो टेप लेकर के हम टिप्स दिखा रहे हैं। अक्सर क्या होता है, हम लोग सेलो टेप लेकर के आते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ता है तो बहुत ही दिक्कत होता है, कभी खोलने में मिलता ही नहीं, अच्छी तरह से चिपक जाता है। कितनों हम लोग इधर उधर उंगली से नोचते हैं तो नहीं मिलता है, कभी कभी बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा टिप्स लेकर के आएँ, बहुत ही आपका समय बचेगा और बहुत ही जल्दी काम बन करके तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम खोल करके हम सेलो टेप को दिखाते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे। वीडियो में बना रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तब जाके आप लोगों को पता चलेगा यहाँ पर हम क्या करेंगे सेलो टेप को। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा सेलो टेप को हम खोल लिए हैं, और खोल करके यहाँ पर कुछ नहीं डालना है। यहाँ पर हम ऊपर वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा यहाँ पर हम मोड़ लेंगे, और इस तरह मोड़ करके ऐसे ही फिर से चिपका देंगे। तो यहाँ पर हम सेलो टेप को चिपका दिए हैं, जब भी आपका ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ से निकाल करके आप कोई भी काम तुरंत कर सकते हैं। कभी कभी बहुत ही समय लग जाता है लेकिन काम बन नहीं पाता है, बहुत ही दिक्कत होता है, तो इस तरह करके रखिएगा तो आपका काम तुरंत बन जाएगा और आपका समय का भी बचत हो जाएगा। ये वाला टिप्स आप लोग का अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। अगले टिप्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कुकर लेकर के हम टिप्स दिखा रहे हैं। अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग खाना उना बनाते हैं और कुकर का जो रबर रहता है कभी कभी काम नहीं करता है, ढीला पड़ जाता है या तो टूट जाता है, तो बहुत ही दिक्कत होता है दाल वगैरह बनाने में। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा ट्रिक लेकर के आएँ, बहुत ही आपका काम आने वाला है किचन का, और आपका समय से पहले खाना भी बन जाएगा। यहाँ पर देखिए किस तरह मेरा कुकर गंदा हो गया है, और कितना गैस चूल्हा भी गंदा हो गया है, बहुत ही काम बढ़ जाता है जब इस तरह करके कुकर हो जाता है, तो बहुत ही दिक्कत होता है महिलाओं को, बहुत ही परेशानी होता है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा टिप्स लेके आए हैं, बहुत ही आपका काम आएगा और आपका समय से पहले काम भी बन जाएगा, आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और तुरंत काम ख़त्म हो जाएगा। छोटा सा टिप्स आप लोग का ज़रूर पसंद आएगा, पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। आप लोग लाइक करते कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, लगता है मेरे साथ एक परिवार जुड़ गया उसी तरह। कभी कभी क्या होता है, कुकर का रबड़ अचानक ख़राब भी हो जाता है और ढीला पड़ जाता है, और घर में रहता नहीं है, दूसरा एक ही को रहता है, तो बहुत ही मुश्किल होता है खाना बनाते समय। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा टिप्स लेकर के आए हैं, आपका बहुत ही किचन का काम आएगा कि इतना गंदगी हो गया है, दाल जो कुकर से फेंकता है तो देखिए किस तरह गंदगी हो जाता है, बहुत ही दिक्कत होता है महिलाओं को, बहुत ही काम बढ़ जाता है, बहुत ही समय लग जाता है सफ़ा करने में। तो यहाँ पर हम क्या ऐसा जुगाड़ बनाएंगे दिखाते हैं आप लोगों को,
बहुत ही अच्छी तरह से खाना भी बन करके तैयार हो जाएगा, और नहीं आपका ज़रा सा इस चूल्हा भी आपका गंदगी नहीं होगा, और नहीं आपका ज़्यादा मेहनत लगेगा। यहाँ पर छोटा सा जुगाड़ लेकर के हम आएँ, बहुत ही जल्दी खाना भी बन जाएगा और आपका समय भी नहीं लगेगा, और आपका पता भी नहीं चलेगा मेरा कुकर का रबर ख़राब हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या लेकर के आए हैं दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर हम फिर से कुकर को हम धो करके यहाँ पर हम चढ़ाए हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा आटा गोथा हुआ लेंगे, इमरजेंसी के लिए ये वाला बहुत ही आपका काम आएगा। कभी कभी क्या होता है, एक ही वो रबर रहता है और बहुत ही परेशानी होता है, जब हवा निकलता है तो बहुत ही दिक्कत हो जाता है दाल गलाते समय। तो ई वाला टिप्स ज़रूर आजमाइएगा, आपका दाल भी गल जाएगा और आपका समय भी नहीं लगेगा, इमरजेंसी के लिए बहुत ही काम आएगा आपका। फिर आप दाल गलाने के बाद फिर आप दूसरे दिन ला करके लगा सकते हैं नया कुकर का रबर। देखिए यहाँ पर हम आटा को कैसे लगाएंगे दिखाते हैं। जहाँ आपका हवा निकल रहा है वहाँ पर इस तरह करके लंबाई में हम ये वाला आजमा करके देखिए, फिर हम आप लोग के पास शेयर कर रहे हैं। ज़रूर आप लोग का पसंद आएगा, पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हम चारों तरफ हम लगा रहे हैं, चारों तरफ मेरा यहाँ पर हवा निकल रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम चारों तरफ हम लगाएंगे। जितना बड़ा यहाँ पर मेरा ढक्कन है, चारों तरफ हम इस तरह करके आटा को लंबाई में लगा लेंगे, और अच्छी तरह से यहाँ पर हम उंगली से दबा लेंगे, जैसे मेरा यहाँ पर थोड़ा सा निकलेगा नहीं हवा, और अभी गर्म है कुकर, अच्छी तरह से चिपक जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह करके दबाना है, जब भी आपका रबर ख़राब हो जाएगा तो इस तरह करके लगाइए, कुकर भी गर्म रहेगा और अच्छी तरह से आटा भी चिपक जाएगा और आपका दाल भी गल जाएगा, और ज़रा सा आपका समय भी न लगेगा। फिर आप दूसरे दिन जा करके आप कुकर का रबर नया खरीद करके ला सकते हैं। इमरजेंसी के लिए ये वाला हम टिप्स दिखा रहे हैं, ज़रूर आप लोग का पसंद आएगा, पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हम फिर से हम सीटी लगा करके हम दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह मेरा यहाँ पर सीटी लगेगा। थोड़ा सा यहाँ पर मेरा दाल गिरेगा नहीं और नहीं फेंकेगा, लगेगा यहाँ पर हम रबर लगाएँ एकदम उसी तरह बन जाएगा। यहाँ से आपका ज़्यादा प्रेशर निकल रहा है वहाँ इस तरह करके आटा को लगा दीजिए, एक थोड़ा सा भी आपका हवा नहीं निकलेगा, गैस नहीं निकलेगा, और आपका दाल इतना सुंदर गल करके तैयार हो जाएगा। इमरजेंसी के लिए बहुत ही आपका किचन का काम आएगा और आपका समय से पहले खाना भी बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हम चारों तरफ हम लगा लिए हैं और अच्छी तरह से यहाँ पर हम उंगली को हम इस तरह करके दबा लिए हैं, और मेरा अभी कुकर गर्म है इसीलिए एकदम अच्छी तरह से चिपक गया आटा। अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग खाना बनाते हैं, दाल उल बनाते हैं, तो अचानक रबर में काम नहीं करता है, तो उस समय के लिए ये वाला टिप्स हम आप लोग के पास शेयर किए हैं। इमरजेंसी के लिए बहुत ही आपका किचन का काम आएगा। देखिए मेरा यहाँ पर सीटी किस तरह मार रहा है, ज़रा सा यहाँ पर मेरा दाल फेंक नहीं रहा है, कितना सुंदर यहाँ पर मेरा सीटी मर रहा है, एकदम इसी तरह मारेगा। ये वाला टिप्स आप लोग ज़रूर आजमा करके देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोग का अच्छा लगा ये वाला टिप, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरे का साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कौन सा टिप्स आप लोग को अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर हम अरग सीटी यहाँ पर हम लगा करके दिखाते हैं किस तरह मेरा यहाँ पर कुकर में सीटी दे रहा है, एकदम पता भी नहीं चलेगा आपका रबर ख़राब हुआ है। इमरजेंसी के लिए बहुत ही आपका काम आएगा और बहुत ही सुंदर यहाँ पर घर का जुगाड़ बन करके तैयार हो गया है। अगर ये वाला टिप्स आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सोनी होम ब्लॉग चैनल में। फिर हम अगले टिप्स इसी तरह ले करके आएँगे।